हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है मोटो G9 और आज हम आपको बात करने वाले हैं इसके टिप एंड ट्रिक्स के बारे में और इसके कुछ हिडन फीचर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले फीचर जो इसका आता है मोटो G9 का, वो तो पहला फीचर आता है स्क्रीन पाइनिंग का। इसमें क्या होता है, अगर आपका फ़ोन किसी बच्चे या किसी पर्सन ने लिया है और वो जो ऐप यूज करना चाहता है उसको यूज ना करके कोई आपकी अंदर की फाइल गैलरी उसको चेक करने लगता है, तो इसके लिए आपका मोटो G9 में एक फीचर आता है जो है स्क्रीन पाइनिंग। उसमें होता क्या है, उसमें आप जो भी ऐप ओपन करेंगे वो आपकी लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद ना तो वो आपका बैक कर पाएगा, सिर्फ उसी ऐप को वो यूज करेगा। तो इसके ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आपको जाना होगा अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी के बाद आपको जाना है एडवांस पे। एडवांस पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखें यहाँ पे होता है स्क्रीन पाइनिंग का ऑप्शन। इसको आपको सिंपली ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना है और जो भी ऐप आपको जो यूज करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं कि इसी ऐप को वो इस यूज करें, जैसे मान लो मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और यूट्यूब ओपन करने के बाद इसको आप जैसे मिनिमाइज का ऑप्शन होता है आपका इसका, देखिए यहाँ पे, देखिए जब यूट्यूब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका पिन। आप इसको पिन पे क्लिक कीजिए, पिन पे क्लिक करने से वो गोट इट हो जाएगा और देखिए अब आपका जो स्क्रीन है वो लॉक हो गया है। ना तो आपका ये बैक जा सकता है, ना ही आपको ये नोटिफिकेशन ओपन हो सकता है। सिर्फ इसी ऐप को ये यूज कर सकते हैं बैक करके, सिर्फ यही ऐप यूज कर सकता है पर्सन। ना ही उस वो आपका पावर बटन वर्क करेगा इस टाइम पे, अगर वो ऑफ भी हो जाता है तो ऑन होगा, तो सिंपल आपका यही आपका ऑप्शन ऑन होगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पाइनिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कि अपने किसी भी ऐप को लॉक करके किसी को भी दे सकते हैं। इस ऑप्शन में अब ये लॉक तो हो गया है, अब आप चाहते हैं इसको बैक करना। तो अगर आपके पास गैस, मेरे पास देखिए गेस्चर का ऑप्शन है, मैंने गेस्चर ऑन किया हुआ है अपना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे जैसे होम स्क्रीन पे जाते हैं तो उस पर थोड़ा सा होल्ड करना है आपको, ये देखिए। और मेरा तो ये देखिए मेरा ये एग्जिट हो चुका हूँ और इसके लिए मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ। जब भी आपको यूज करना है ये तभी आप इसका यूज करें, वरना आप इसको ऑफ कर दीजिए। और ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये था मेरा पहला फीचर जो कि मोटो G9 का है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पाइनिंग के यूज करके किसी ऐप को लॉक करके किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो आता है इसके अंदर, देखिए जब आप मोटो G9 पे जाते हैं और लेफ्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए गूगल की कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी एड्स आती है और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। कुछ पर्सन के लिए क्या होता है ये काफ़ी हेल्पफुल है और कुछ के लिए ये अच्छी नहीं होती। तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए आपके करना होगा स्क्रीन पर टैप करना है और टैप करने के बाद आपके पास आता है होम सेटिंग, टैप कीजिए। इसके लिए आपको जाना है स्वाइप एक्सिस पे आता है, इसको आप नथिंग कर दीजिए, नथिंग करते हैं आपका और बैक कीजिए। तो देखिए आपके लेफ्ट में जो आपकी गूगल की इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी रिमूव हो चुकी है, यानी हाइड हो चुकी है। तो ये है आपका फीचर जो मोटो G9 के अंदर है। और इसके अंदर आपका नेक्स्ट फीचर आता है आपका स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, यानी देखिए जो आपका फिंगरप्रिंट है अगर आप इसको डाउन प्रेस करते हैं तो देखिए डाउन प्रेस करने के बाद आपका नोटिफिकेशन ऑन होता है, नीचे नोटिफिकेशन बार होती है नीचे आ जाती है, डाउन हो जाती है। अगर इसको मैं नोटिफिकेशन बार को आप प्रेस करूंगा तो देखिए मेरी इसकी ऊपर हो जाती है, देखिए डाउन किया तो डाउन आ गई बिना इसके और ऊपर गई, ऊपर चली गई प्रेस करने पे। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए जाना होगा आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम में, सिस्टम में सेम जाना है गेस्चर के अंदर। गेस्चर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है स्वाइप फिंगर, ये देखिए कहाँ है आपका ऑप्शन है, सबसे ऊपर ऑप्शन है स्वाइप फिंगर फॉर नोटिफिकेशन। इसको सिंपल आपको ऑन कर लेना है अगर आपका ऑफ है तो। और ये फिर तरीका आपका सेम ही है, देखिए डाउन प्रेस किया मेरा डाउन नोटिफिकेशन नीचे आ गया, अगर मैं अप प्रेस करता हूँ तो देखिए ये मेरा ऊपर चला गया। तो ये भी आपका एक मोटो G9 के अंदर फीचर है जिसको आप यूज करके अपना स्मार्टफोन को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है आपका मोटो G9 के अंदर आपका पीक डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, अगर आप अपने फ़ोन को बिना टच बिना स्क्रीन ऑन किए आप उसके अंदर देखिए टाइम देखना चाहते हैं टाइम शो हो, तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर इसमें देखिए जाना है आपको डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस के अंदर और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका एक ऑप्शन आएगा पीक डिस्प्ले। तो इसको आपको अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा, ऑन करने के बाद आपकी
ये पीक डिस्प्ले ऑप्शन का ऑन हो जाएगा, और जब भी आप जैसे आपका फ़ोन रखा हुआ है आपको सिर्फ टाइम देखना है तो आप ओपन कीजिए और आपका टाइम आपको शो करेगा। तो ये है, ये भी आपका एक न्यू फीचर है आपका मोटो जी नाइन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इसमें क्विक कैप्चर एंड फ्लैश लाइट। अगर आप अपने फ़ोन को दो बार 1 2 करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, और अगर आप दो टाइम बैक प्रेस करेंगे 1 2 तो आपका रियर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि फ्लैश लाइट भी ओपन हो फ्रेंड्स में, तो देखिए देखिए 2 टाइम्स करने के बाद हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपको ऑन कैसे करनी है और ऐसे ही आपकी ऑफ हो जाएगी, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाना है आपको सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर जाना है आपको गेस्चर में। गेस्चर में देखिए आपको नीचे ऑप्शन आता है क्विक कैप्चर। क्विक कैप्चर मतलब यानी आपका, आपको 1 टाइम 2 टाइम आप प्रेस कर इस होल्ड करेंगे तो आपका क्या होगा, ट्विस्ट करेंगे तो फ्रंट कैमरा ओपन होगा, अगर राइट साइड करेंगे तो आपका बैक कैमरा ओपन होगा। तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा अगर आपको ऑफ है तो। सेकंड, अगर आप फ्लैश लाइट चाहते हैं तो इसके लिए आप बैक कीजिए और देखिए ऊपर फास्ट फ्लैश लाइट है, तो आप फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी आप ऑन कर लीजिएगा। इसमें आप 2 टाइम आप चॉपिंग करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी, 2 टाइम ही आप इसको करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो ये है आपका फीचर जो कि मोटो जी नाइन के अंदर है, क्विक कैप्चर एंड फ्लैश लाइट। जैसे आप 3 फिंगर अपनी इस पर टिप करेंगे आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, तो इसमें आपको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसी ऑप्शन ऑन करना है तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाना है आपको सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाना है आपको गेस्चर के अंदर सेम, और गेस्चर के अंदर देखिए आपके यहाँ पे 3 फिंगर होगा आपका, देखिए या 3 फिंगर स्क्रीन शॉट को आप सिंपल ऑन कर लीजिए। अगर आपके अंदर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। तो ये भी एक नया फीचर है आपका मोटो जी नाइन के अंदर, 3 फिंगर टिप स्क्रीन शॉट। और इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका आइकन मूव। देखिए जो आपका नोटिफिकेशन आइकन होते हैं ये आपके, इसको भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेंसिल का साइन है, इस पर क्लिक करके आप इसको मूव, नीचे देखिए बहुत से ऑप्शन है, जो आपकी मर्जी, आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप ऊपर सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है आइकन मूव करने का। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डार्क मोड। अगर इसमें जो आपका मोड दिया हुआ है, एक डार्क मोड दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं सिंपल डार्क मोड ऑन करना कि आपका जो स्क्रीन है सारी डार्क हो जाए, तो इसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाना है आपको डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर देखिए आपका डार्क थीम, सिंपल इसको आप ऑन कर दीजिएगा, आपका पूरा स्क्रीन डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डार्क थीम भी ऑन कर सकते हैं अपने मोटो जी नाइन के अंदर। ये भी एक न्यू फीचर है इसका मोटो जी नाइन। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें नेविगेशन बटन। अगर जो न्यू फ़ोन जब आप परचेज करते हैं मोटो जी नाइन का, तो इसमें सिर्फ जो ऑटोमेटिकली आप गेस्चर का ऑप्शन आता है कि गेस्चर से ही आप बैक और अपनी ऐप्स को, रिसेंटली ऐप को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नेविगेशन बटन इसमें ऑन करना, तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाने के बाद आपको गेस्चर के अंदर जाना है, और देखिए गेस्चर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है फुल स्क्रीन, ये गेस्चर के अंदर जाना है आपको सिस्टम नेविगेशन के अंदर। सिस्टम नेविगेशन के अंदर यहाँ पे देखिए मेरा भी गेस्चर ऑन है। अगर चाहते हैं 3 बटन नेविगेशन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको देखिए मेरे पास 3 बटन आपका गेस्चर नेविगेशन, तो देखिए मेरा 3 बटन नेविगेशन ऑप्शन ऑन हो गया है। इसमें आप बैक कर सकते हैं, रिसेंट होम बटन है और आपका ओवरव्यू बटन है। तो इस तरह से आप अपने मोटो जी नाइन के अंदर नेविगेशन बटन को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फीचर आपके मोटो जी नाइन के अंदर, जो कि आप यूज करके अपने स्मार्टफोन को और भी अच्छा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आने वाली वीडियो में मैं कुछ इसकी और मोर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ।